गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स वेलकम टू ट्रिपल ए ब्राइट अकेडमी यूट्यूब चैनल और आज हम लोग प्रीवियस ईयर पेपर की सीरीज़ में एक नया पेपर एड ऑन कर रहे हैं और वो पेपर है आपका क्लर्क टाइपिस्ट का पेपर है जो मॉर्निंग शिफ्ट में हुआ था पेपर ठीक है 2019 का पेपर है इसके हम लोग कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे अच्छे क्वेश्चन आए हुए हैं इसमें आई के और काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं ठीक है थीके? तो अच्छा लेवल का क्वेश्चन पूछे गए हैं यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट वाइज यानी ऐसे के क्वेश्चंस भी हैं जिनको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर चलिए तो पहला क्वेश्चन पहला क्वेश्चन है अरेंज करना तो अरेंज करें हम लोग ज़रा कि अमेज़ोन कब आया था तो अमेज़ॉन आया था 1994 में और फ्लिपकार्ट कब आया था अमेज़ोन आया है Amazon आया है 1994 में ओके और फ्लिपकार्ट आया है 2007 में 2007 में और स्नैपडील स्नैपडील आया है 2010 में 2010 में ठीक है अब अब आप इन्हें अरेंज कर सकते हैं इजीली ठीक है तो ए वाला ऑप्शन इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द टर्म आई सी टी इज और आर ट्रू कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है पहला पी स्टेटमेंट इज अ डिजिटल डिवाइड इज एन इकोनॉमिक एंड सोशल इक्वालिटी विद रिगार्ड टू एक्सेस टू यूज ऑफ और इम्पैक्ट ऑफ आई सी टी देखिए अ डिजिटल डिवाइड इज़ एन इकनॉमिक एंड सोशल इनक्वालिटी विद रिगार्ड टू एक्सेस टू यूज़ ऑफ़ और इम्पैक्ट ऑफ आई मतलब आप कहीं पर भी कहीं पर भी आप कंप्यूटर का इस्तेमाल कर सकते हैं और किसी भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके कंप्यूटर का इस्तेमाल कर सकते हैं ये बात कहता है डिजिटल डिवाइड कि आप कंप्यूटर का इस्तेमाल किसी भी तरीके से कर सकते हैं कोई भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके आप कंप्यूटर में काम कर सकते हैं ओके okay? next. next. ict helps in international development by bridging the digital divide and providing equitable access to technologies. so any so b statement is true. next question. a confidential file needs to be deleted from a workstation which is the most effective way to ensure this. अगर आपको कोई कॉन्फिडेंशियल फ़ाइल डिलीट करनी है तो आप कैसे डिलीट करने वाले हैं सिंपल रीसाइकिल बीन में आप डिलीटेड फ़ाइल्स को लेकर जाते हैं मतलब कोई भी फाइल आपने पहले डिलीट की है वो जाकर ऑटोमेटिकली रीसाइकिल बीन में ही जाने वाली है डिलीटेड फ़ाइल्स तो पहला है कि क्या आप रीनेम करते हैं तो नहीं करते कॉम्प्रेस द फाइल एंड बैकअप टू टेप करते हैं नहीं करते कॉपी एंड पेस्ट द फ़ाइल इनटू द रीसाइकिल बीन नहीं हम लोग कभी भी कॉपी पेस्ट नहीं करते हैं हम जहाँ पर हैं हमने वहाँ से फाइल डिलीट की है और वो ऑटोमेटिकली डिलीटेड फाइल रिसाइकिल बीन में जा रही है हम कॉपी पेस्ट नहीं करते हैं ठीक है या हम लोग ड्रैग कर देते हैं ड्रैग द फाइल इन टू द रीसाइकिल बीन एंड एम टी द रीसाइकिल बीन अगर वो रीसाइकिल बीन से भी एम टी हो गई है अगर रीसाइकिल में बीन में फाइल पड़ी है तब आप उसको रिस्टोर कर सकते हैं लेकिन रीसाइकिल बीन से ही आपने डिलीट कर दी है तो वो फाइल कंप्लीटली डिलीट हो जाएगी आपके पी सी से तो यानी डी ऑप्शन इज़ करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ये सेम क्वेश्चन हमारे पास चंडीगढ़ एएसआई में आया है ये 2021 का पेपर है जो 83 क्वेश्चन है ये चंडीगढ़ एएसआई 2022 या 2023 में भी डिस्कस हुआ है तो रिपीटेड क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये सेम क्वेश्चन रिपीटेड है हमारे पास और ये सेम क्वेश्चन अगर मैं बात करूँ तो ये सेम क्वेश्चन आपका यू नेट में भी है ठीक है और चंडीगढ़ ए में भी है चंडीगढ़ ऐसे 2022 और 23 में हुआ है तो दोनों में से किसी एक पेपर में ये क्वेश्चन आया है और ये जो हम बात कर रहे हैं स्टेनोटाइप का ये 2021 का पेपर है चलिए तो क्वेश्चन है अ ब्लॉग इज अ वेबसाइट दैट कंसिस्ट ऑफ पोस्ट इन रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर तो सबसे पहले मुझे ये पता होना चाहिए कि ब्लॉग्स होते क्या हैं तो ब्लॉग्स क्या होते हैं कोई भी आर्टिकल है किसी के बारे में आप ब्लॉग लिख रहे हैं तो कोई भी आर्टिकल दैट इज़ ब्लॉग ओके तो ब्लॉग्स जो होते हैं जैसे जैसे आप नया ब्लॉग लिखते चले जाते हैं वो आपको सबसे पहले दिखता है जो पुराने ब्लॉग होते चले जा रहे हैं वो पीछे चले जाएंगे ठीक है तो ये रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होते हैं तो पी वाली स्टेटमेंट इज़ ट्रू नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है अ विकी इज़ अ वेबसाइट दैट इज़ डिज़ाइन टू अलाउ पीपल टू कैलिब्रेट ईजिली तो अ विक्की इज़ अ वेब पेज विद एन ओपन एडिटिंग सिस्टम विकी होता क्या है तो विकी एक वेब पेज है जो ओपन एडिटिंग सिस्टम है यानी आप उसके अंदर कुछ भी पीपल को अलॉक करता है ये टू कैलेबरेट ईजिली तो बहुत स्टेटमेंट्स आर ट्रू दोनों स्टेटमेंट्स यहाँ पे ट्रू है नेक्स्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ई मेल वॉट इज स्पैम तो स्पैम के लिए मैं हमेशा बताती हूँ कि अगर स्पैम क्वेश्चन आ रहा है तो इसमें दो चीज़ें पूछी जाती है स्पैम को लेकर अगर क्वेश्चन आ रहा है तो या तो अनसॉलिएटेड मेल्स कहा जाएगा इन्हें या होगा कि ये बल्क में अनवांटेड ईमेल्स हैं ठीक है तो ये दो पॉइंट्स अगर आप चेक करोगे अगर स्पैम के बारे में पूछा जा रहा है तो वो आपका आंसर बन जाएगा तो अनसोलिएटेड यहाँ पे दिया हुआ है ये डी ऑप्शन में तो डी ऑप्शन इज करेक्ट तो स्पैम कॉल्स हैं जैसे हमारे पास फ़ोन में आती हैं कंपनीज़ के कॉल्स आती हैं तो स्पैम और जो जैसे जियो कंपनी है तो वो बल्क में जितने भी लोगों के पास कनेक्शन है सभी को मैसेज भेजते हैं और ये सब हमारे लिए अनवांटेड ही हैं एक तरीके से अ वायरस टाइप दैट इज़ कैपेबल ऑफ शिफ्टिंग फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर विदाउट यूज़र इंटरक्शन इज़ नोन एज उसे कहा जाता है वॉम क्योंकि जो वॉर्म है दैट इज़ सेल्फ रेप्लीकेटिंग उसे किसी होस्ट की ज़रूरत नहीं है ट्रेवलिंग के लिए वो एक एंटर होता है और अपने आप को मल्टीप्लाई करता है नंबर ऑफ टाइम्स लेकिन बीइंग सेल्फ रेप्लिकेटिंग यानी खुद से काम करेगा उसे किसी होस्ट की ज़रूरत नहीं है ट्रैवल करने के लिए जैसे वायरस को होस्ट की ज़रूरत होती है होस्ट यानी हम हैं हम परमिशन देते हैं जैसे अगर कोई वायरस एंटर हुआ है और जब तक मैं उसको क्लिक नहीं करूँगी जब तक मैं उसको परमिशन नहीं दूंगी तब तक वो सर्कुलेट नहीं होने वाला है लेकिन ऐसा कुछ वॉर्म में नहीं होता है अगर चार पीसी आपस में कनेक्टेड हैं तो वो ऑटोमेटिकली चारों पीसीज में सर्कुलेट हो जाएगा विदाउट एनी क्लिक विदाउट एनी एक्सेस विदाउट एनी परमिशन ओके तो आंसर इज़ वॉर्म नेक्स्ट क्वेश्चन अ न्यू लैपटॉप हैज़ बिन प्रोड्यूस दैट वे लेस इज स्मॉलर एंड यूज smaller एंड uses लेस पावर प्रीवियस लैपटॉप मॉडल्स विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्नोलॉजीज हैज़ बीन used टू accomplish दिस क्या उसके लिए हम यूनिवर्सल सीरियल बस माउस का इस्तेमाल कर रहे हैं तो नहीं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला या फास्टर रैंडम एक्सेस मेमोरी कर रहे हैं तो नहीं भाई सॉलिड स्टेट ड्राइव है अगर इसका हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमें प्रोसेसिंग स्पीड ज़्यादा फास्ट मिलने वाली है और जो सॉलिड स्टेट ड्राइव है वो फ्लॉपी डिस्क के जैसा दिखता है और छोटा सा होता है साइज़ में हार्ड डिस्क से भी छोटा होता है ये साइज में और फास्ट प्रोसेसिंग स्पीड हमको देता ही है नेक्स्ट क्वेश्चन एटी सेवन विच ऑफ़ द फॉलोइंग अगेन स्टेटमेंट का क्वेश्चन आ गया कौन सी ट्रू स्टेटमेंट है आई सी टी इज़ इकोनॉमी दैट स्टैंड फॉर इंफॉर्मेशन क्लासिकल टेक्नोलॉजी गलत है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी इज़ द फुल फॉर्म ऑफ आई सी टी नेक्स्ट कन्वर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ दैट एग्जेम्प्लीफाई आई सी टी इंक्लूड्स द मर्जिंग ऑफ ऑडियो विजुअल टेलीफोन एंड कंप्यूटर नेटवर्क थ्रू अ कॉमन केबलिंग सिस्टम देखो जो आई सी टी में कन्वर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ है वो इंक्लूड करती है फ्यूजिंग ऑफ टेलीफोन मतलब इन सब का फ्यूजन है ये एक्चुअल में तो इसमें दिस स्टेटमेंट इज ट्रू कन्वर्जिंग टेक्नोलॉजीज दैट एग्जाम्प्लीफाई आई सी टी इंक्लूड तो ये कन्वर्जिंग टेक्नोलॉजीज इंक्लूड करती है द मर्जिंग ऑफ ऑडियो विजुअल टेलीफोन एंड कंप्यूटर नेटवर्क ये वाला गलत है क्योंकि आई सी टी की फुल फॉर्म ये नहीं है इंफॉर्मेशन क्लासिकल टेक्नोलॉजी नहीं है तो इस हिसाब से बी ऑप्शन इज करेक्ट चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये एटी एट क्वेश्चन ठीक है बहुत बहुत अच्छे तरीके से पूछा गया है ये क्वेश्चन देखिए तो इसके लिए हमें टू सी सी एंड बी सी सी के बारे में पता होना चाहिए ये हम लोग ई में देखते हैं तो टू में आप लोग डायरेक्ट मेल भेजते हो जिसको भी मेल भेजनी है डायरेक्ट आपने मेल आईडीज़ डीज वहाँ पर मैंशन किया और आपने मेल भेजा और एक टाइम पर आप मैक्सिमम कितने लोगों को मेल भेज सकते हैं तो 500 पीपल्स को एक टाइम में वन टाइम में, में मेल भेजी जा सकती है टू में लेकिन उसके बाद भी आप मेल्स भेज सकते हैं लेकिन वो पेड होगी उसके चार्जेस लगेंगे और सी यानी कार्बन कॉपी और बी यानी ब्लाइंड कार्बन कॉपी तो जिसमें आपने टू की मेल, टू में जिसकी मेल आईडी लिखी है उसको सी वाले देख सकते हैं और सी वाले टू वालों को भी देख सकते हैं दोनों एक दूसरों को देख सकते हैं कि किसकी आई डी टू में लिखी हुई है और किसकी आई डी में लिखी हुई है लेकिन अगर आपको हाइड करके किसी को मेल भेजनी है तो आप उसको बी में रखेंगे तो बी वाला कैन सी टू एंड सी सी बट टू एंड सी सी कैन नॉट सी बी सी सी ओके हाइड करके मेल भेजनी है तो टू वाले और सी वाले नहीं देख सकते कि बी में किसकी मेल आई है लेकिन बी वाला दोनों को देख सकता है ओके okay? इसी डिस्क्रिप्शन पर ये क्वेश्चन है टू में एक नाम लिखा है सी में एक नाम लिखा है बी में एक नाम लिखा है ठीक है तो इनमें से कौन सा फील्ड इज करेक्ट देखिए कौन सा फील्ड इज करेक्ट गिवन द फॉलोइंग ई मेल फील्ड विच ऑफ़ द ई मेल एड्रेस स्वामी स्वामी किस में है स्वामी बी सी सी में है तो स्वामी किस किस को देख सकता है तो स्वामी इसको भी देख सकता है और इसको भी देख सकता है जो टू में है और सी सी में है तो देखिए ज़रा कौन सा ऑप्शन है इस करेक्ट तो बी वाला ऑप्शन करेक्ट है क्योंकि राम भी आ जाएगा उसमें जो टू में पड़ा है राज भी आ जाएगा जो सी सी में पड़ा है और रवि भी आ जाएगा ठीक है तो बी ऑप्शन इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन मेमोरी यूनिट से क्वेश्चन है और मैं हमेशा बोलती हूँ कि मेमोरी यूनिट टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हम लोगों को इसका क्वेश्चन मिलता ही मिलता है तो क्वेश्चन है पुट द फॉलोइंग यूनिट स्टोरेज इन टू करेक्ट ऑर्डर स्टार्टिंग विद द स्मॉलेस्ट यूनिट फर्स्ट स्मॉलेस्ट सबसे पहले आएगी फिर लार्जेस्ट तो कहाँ से शुरू होता है बाइट बिट अच्छा बिट भी दिया हुआ है तो बिट बाइट के बी फिर एम बी फिर टी बी के फिर जी बी दे रखा है ओके okay, तो हमारी यूनिट्स ऐसे रहती हैं बिट फिर निबल फिर बाइट फिर के बी फिर एम बी जी बी और टी बी टी बी तक ही दे रखा है ना तो बिट पहला हो गया दूसरा हमारे पास बाइट मेंशन है उसके बाद के बी है किलोबाइट, फिर एम बी है और उसके बाद गीगाबाइट भी मेंशन है और फिर टेराबाइट भी मेंशन है तो फिफ्थ गीगाबाइट और सिक्स इज़ टेराबाइट तो इस तरीके से अरेंज किया जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन मेमोरी से क्वेश्चन है मेमोरी से भी अब लेटेस्टली अगर हम बात करें तो 2024 में क्वेश्चंस मेमोरी और मेमोरी होने टॉपिक आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है और एक क्वेश्चन आपको इंटरनेट से भी मिलता है ओके okay? ये काफ़ी स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं क्वेश्चन है मेमोरी टॉपिक से कौन सी स्टेटमेंट इज ट्रू पहली रीड ओनली मेमोरी इज़ वॉलेटाइल मेमोरी नो रॉम जो होता है वो नॉन वॉलेटाइल होता है तो पहली स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग वॉलेटाइल का मतलब होता है डेटा इज रेज ऑन इलेक्ट्रिसिटी ऑफ जो रॉम है उसके अंदर सिस्टम की फाइल्स पड़ी हैं तो सिस्टम की फाइल्स पड़ी हैं जैसे रीसाइकल बीन है तो रीसाइकिल बीन इज़ सिस्टम वाली फ़ाइल तो अगर हम रीसाइकल बीन को ओपन करते हैं और लाइट चली जाती है तो रीसाइकिल बीन दोबारा हमको वैसे ही मिलने वाला है उसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला वो उड़ेगा नहीं अगर यूज़र यानी हम लोग कोई फ़ाइल ओपन करते हैं और मैंने उसे सेव नहीं किया और लाइट चली गई तो वो फाइल उड़ जाएगी इस नेचर को वॉलेटाइल कहा जाता है जब फाइल इलेक्ट्रिसिटी ऑफ पर इरेज हो जाती है जब इरेज़ नहीं होगी तब उसे नॉन वॉलेटाइल कहा जाता है तो रोम के अंदर सिस्टम की फ़ाइल्स हैं जो इलेक्ट्रिसिटी ऑफ पर इरेज नहीं होती हैं दैट इज़ रिक्वायर्ड तो रोम इज़ नॉन वॉलेटाइल तो पहली स्टेटमेंट रॉन्ग है और रेंडम एक्सेस मेमरीज वॉलेटाइल मेमरी ये बात ट्रू है सेकेंडरी मेमोरी इज वॉलेटाइल नो सेकेंडरी मेमोरी इज आल्सो नॉन वॉलेटाइल क्योंकि सेकेंडरी मेमोरी हमारे पास परमानेंट भी होती है और नॉन वॉलेटाइल होती है नेचर में चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अगेन स्टेटमेंट का क्वेश्चन है पहला इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इज़ कंसिडर्ड अ सबसेट ऑफ आई तो भाई रॉन्ग स्टेटमेंट है ये एक्चुअल में आई टी इज़ कंसिडर्ड एज सबसेट ऑफ आई सी टी ये यूजीसी नेट में रिपीटेड क्वेश्चन रहा है ये इंपॉर्टेंट है ठीक है तो ये भाई उल्टा है आई सी टी सबसेट ऑफ आई टी नहीं है आई टी है सबसेट ऑफ आई सी टी तो पहली स्टेटमेंट इज रॉन्ग नेक्स्ट द राइट टू यूज अ पीस ऑफ सॉफ्टवेयर इज टर्म्ड एज कॉपी राइट राइट टू यूज को कैसे कॉपी राइट बोलोगे आप राइट टू यूज को कॉपी राइट तो नहीं बोल सकते ना हम तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग कॉपी राइट होता क्या है एक लीगल प्रोटेक्शन है ताकि हम ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को सेव कर सकें और ये लाइसेंस या एग्रीमेंट से सेव हो सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए विच ऑफ़ द फॉलोइंग करेक्टली लिस्ट कंप्यूटर मेमोरी टाइप्स फ्रॉम हाइस्ट टू लोएस्ट स्पीड में इसके लिए हम लोग हिरारिकी पर चलेंगे हिरारिकी पे चलेंगे तो रजिस्टर कैशे इसके बाद रैम आता है इसके बाद हार्ड डिस्क आता है हार्ड डिस्क या सेकेंडरी मेमोरी लिख लो और उसके बाद आते हैं क्लाउड्स और रैम यानी प्राइमरी मेमोरी ठीक है तो हमें चलना है हाईएस्ट से लोएस्ट स्पीड में तो यानी पहले रजिस्टर्स होंगे फिर कैसे होगा फिर रैम होगा और फिर सेकेंडरी स्टोरेज होगा यानी सी ऑप्शन इज़ करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए विद रिगार्ड टू अ वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग स्टेटिक इंफॉर्मेशन एंड पब्लिकेशन टुगेदर विद व वेरिएबल इंफॉर्मेशन इन अ डाटा सोर्स टू क्रिएट वन मर्ज पब्लिकेशन इज कॉल्ड क्या कहते हैं इसको इलेक्ट्रॉनिक मेल कहते हैं डाटा सोर्सिंग कहते हैं या मेल मर्ज कहते हैं अच्छा स्पैम मेल भी है तो इसे कहा जाता है मेल मर्ज जब आप एक डॉक्यूमेंट बहुत सारे लोगों को भेजते हैं तब डी का फुल फॉर्म इज डिजिटल वर्सटाइल या वीडियो डिस्क डिजिटल वर्सटाइल डिस्क नेक्स्ट अ सॉफ्टवेयर यूज टू नेविगेट थ्रू द वेब इज नोन एज कौन सा सॉफ्टवेयर है जिससे आप नेविगेट करते हैं वेब पर दैट इज वेब ब्राउजर और वेब ब्राउजर के एग्जाम्पल क्या होते हैं गूगल क्रोम एप्पल सफारी इंटरनेट एक्सप्लोरर माइक्रोसॉफ्ट एज दीज ऑल आर वेब ब्राउजर और सर्च इंजन कौन है गूगल याहू बिंग डक डक गो दी एम एस एन आस डॉट कॉम ये सब सर्च इंजिन हैं नेक्स्ट क्वेश्चन एस टी टी पी का फुल फॉर्म क्या है अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल बी वाला ऑप्शन नेक्स्ट प्रिंटर का रेजोल्यूशन किस में मेजर करते हैं डी पी आई में मेजर करते हैं डी पी आई क्वालिटी ऑफ द पिक्चर बताता है नेक्स्ट एस आई एम का फुल फॉर्म क्या है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल नाइन्टी नाइन क्वेश्चन चलो इससे पहले हंड्रेड कर लेते हैं क्वेश्चन फिर 99 नाइन पर आते हैं डब्ल्यू ए वी फाइल फॉर्मेट किस लिए होता है वीडियो के लिए साउंड वीडियो के लिए या साउंड के लिए इमेज के लिए या वर्ड डॉक्यूमेंट के लिए तो भाई साउंड के लिए होता है ये वाला क्वेश्चन एक और तरीके से आजकल जो 2024 के पेपर हैं उसमें पूछा जा रहा है कि जो आप साउंड इफ़ेक्ट्स डालते हैं पावर पॉइंट के अंदर तो उनकी फाइल एक्सटेंशंस क्या होती है जिसका आंसर आपको मोस्टली मिलने वाला है डॉट एम आई डी एंड डॉट डब्ल्यू ए वी ये फाइल एक्सटेंशनस इस्तेमाल होती हैं साउंड के लिए ओके okay. चलिए अब आते हैं इस क्वेश्चन पर हम लोग नाइनटी नाइन वाले क्वेश्चन पे तो इफ फंक्शन का क्वेश्चन है ये इस पर बात करते हैं तो इफ क्या है इन मैथमेटिक्स द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए नंबर एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए हम लोग ए बी एस का इस्तेमाल करते हैं अगर नेगेटिव वैल्यू है तो वो उसका रिजल्ट पॉजिटिव में देता है अगर ऑलरेडी पॉजिटिव है तो वही वो, वो वही प्रिंट करवाएगा पॉजिटिव वैल्यू ही ये काम करता है एब्सोल्यूट वैल्यू ए बी एस ऑफ़ ए नंबर इज़ द नॉन नेगेटिव वैल्यू ऑफ ए नंबर ठीक है यही बात हमने डिस्कस की अभी उसके बाद फॉर एग्जाम्पल द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ माइनस थ्री इज़ थ्री ओके फाइन है माइनस थ्री की एब्सल्यूट वैल्यू थ्री है द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ़ फोर इज स्टिल फोर ये भी करेक्ट है फोर का स्टिल फोर होगा विच ऑफ द फॉलोइंग एम एस एक्सएल फॉर्मूला फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द नंबर इन द सेल ए वन ठीक है ए वन सेल के अंदर एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकलेगा तो देखिए सी वाले ऑप्शन पर आते हैं इसका आंसर ये है इसको मैं डिस्क्राइब कर देती हूँ कैसे तो इसके लिए दो तीन चीज़ें आप लोग ध्यान रखेंगे सबसे पहले इफ फॉर्मूला इफ़ जो फंक्शन है वो एक लॉजिकल फंक्शन है जो हम लोग एम एस एक्सएल में पढ़ते हैं तो इसका सी क्या होता है यानी इसका लिखने का तरीका क्या है तो हम ऐसे लिखते हैं इक्वल टू इफ़ यहाँ लिखी जाती है कंडीशन यानी लॉजिकल टेस्ट लिखा जाता है अगर ये कंडीशन ट्रू है तो जो यहाँ लिखा होता है वो रिजल्ट बनता है अगर ये फॉल्स है कंडीशन तो जो यहाँ लिखा होता है वो रिजल्ट बनता है ओके okay? ये मैंने आपको जर्नल सी बताया है एक्चुअल में सीनियर असिस्टेंट में एक्चुअल इंटेक् एक्चुअल सीनटेक्स भी पूछा गया था और ये आपको थ्योरी वाले पोर्शन में आपको मिल जाएगा ये ठीक है आसानी से और किस तरीके से काम करता है वो भी मैंने डिस्क्राइब किया हुआ है अच्छे से आप लोग वहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं ओके okay? चलिए यहाँ पर बात करते हैं इक्वल टू एफ तो ए वन सेल है तो यहाँ पर कंडीशन लिखनी है हम लोग ए तो वन अगर लेस देन जीरो होगा सॉरी अगर पहले मैंने कंडीशन लिखनी है ना तो कंडीशन में मैंने क्या लगाया कंडीशन में आप यहां पर वैल्यू डाल रहे हैं कि ए वन की वैल्यू कैसी होनी है तो ए वन सेल वो सेल है जिसमें आपने वैल्यू इनपुट करवानी है ठीक है तो A1 सेल अगर वो ग्रेटर देन जीरो है कोई भी नंबर अगर ग्रेटर देन जीरो होता है तो डेफिनेटली उसकी पॉजिटिव वैल्यू ही आती है और अगर वो लेस देन ज़ीरो है तो डेफिनेटली वो नेगेटिव वैल्यू पर जाने वाला है ठीक है ये बात हमको क्लियर है तो मेरी कंडीशन क्या है कि ए वन इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो अगर ये कंडीशन ट्रू है तो जो यहाँ लिखा है वो बनने वाला है रिजल्ट यानी पॉजिटिव ए वन की वैल्यू आएगी ठीक है अगर ये कंडीशन फॉल्स हो रही है तो वो ऑटोमेटिकली वाली बात है कि जीरो से अगर नीचे जाओगे तो वो नेगेटिव आने वाली है वैल्यू तो अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो जो यहाँ लिखा है वो बनेगा रिज़ल्ट ठीक है यही बात थी ना कंडीशन अगर मेरी ट्रू होगी तो जो यहाँ लिखा है वो बनना है रिजल्ट तो मेरी कंडीशन में क्या है कि अगर ए वन की वैल्यू इज ग्रेटर देन वन और सॉरी ग्रेटर देन ज़ीरो है तो ग्रेटर देन ज़ीरो होने पर हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही आएगी और लेस देन ज़ीरो होने पर नेगेटिव वैल्यू आएगी तो मेरी कंडीशन अगर यहाँ पे ट्रू होती है तो जो यहाँ लिखा है वो बनना है रिजल्ट जिसमें पॉजिटिव ए वन लिखा हुआ है वही बनेगी डेफिनेटली और अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो वो जीरो से नीचे जाएगा तो डेफिनेटली वो नेगेटिव वैल्यू ही कंसिडर करेगा तो रिजल्ट क्या बनने वाला है सिंपल क्वेश्चन एक बार और देखते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग देखिए बाकी ऑप्शंस में क्या दे रखा था यहां पर दे रखा है ए ऑप्शन में ए वन की वैल्यू जीरो के बराबर है ये कंडीशन दे रखी है जब जीरो के बराबर है तो बात ही खत्म हो गई ना जीरो के बराबर है तो क्या पॉजिटिव और क्या नेगेटिव तो कोई भी नंबर दे दो टू थ्री फोर कुछ भी दे दो तो यहाँ पर तो वो कंसिडर ही नहीं हो सकता किसी भी तरीके से जब वो ज़ीरो के बराबर क्योंकि क्वेश्चन में, में मेंशन ही नहीं है वैल्यू थ्री दे रखी है और फोर दे रखी है ठीक है तो यहाँ पर हो ही नहीं सकता ए वन की वैल्यू अगर ज़ीरो के बराबर है तो ए वन वैल्यू आए और हम लोग अगर टू थ्री फोर देते हैं या नेगेटिव थ्री फोर देते हैं तब क्या कंडीशन लगेगी कंडीशन लगी नहीं सकती इसमें अब नेक्स्ट वाले में क्या दे रखा है डी वाले में इफ़ ए वन की वैल्यू माइनस ए वन ये कंडीशन बनी नहीं सकती ए वन की वैल्यू माइनस ए वन के बराबर कैसे होगी नेक्स्ट वाले में है ए वन की वैल्यू अगर लेस देन ज़ीरो है अगर ये कंडीशन ट्रू होती है अगर ए वन की वैल्यू लेस देन जीरो है तो क्या पॉजिटिव वैल्यू आता है तो नहीं आता इतना मैथ्स हम लोगों को पता है कि भाई जीरो के नीचे जाएगी वैल्यू तो नेगेटिव है, तो है तो यहाँ जीरो के नीचे जा रही है तो पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है ये जो हो नहीं सकता और जीरो के ऊपर जा रही है तो नेगेटिव वैल्यू दे रहा है तो इसीलिए ये भी गलत है इसीलिए इसका आंसर बनता है सी ऑप्शन तो यहाँ पे ये पेपर ख़त्म होता है तो क्वेश्चन इसके काफ़ी अच्छे थे और रिपीटेड क्वेश्चन रहे हैं यहाँ से यू जी नेट में भी क्वेश्चन है एंड चंडीगढ़ ए में भी क्वेश्चन है ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन वहीं से हैं वहीं पर आए हुए हैं बाद में आए हैं पहले इस पेपर में डिस्कस हुए हैं ठीक है ठीके? तो लेवल बहुत अच्छा था इस पेपर का तो आई होप आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा तो आज के लिए थैंक यू सो मच फिर हम नेक्स्ट क्लास में नए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के क्वेश्चन के पेपर के साथ मिलते हैं आज के लिए थैंक यू